आपने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन है? बढ़िया से है ना? हम भी बढ़िया है। तरीक माथा दुख रहा है अभी। चिंटू के पापा तो कहने बाहर गए हैं ना सूट के काम से, तो काका को बोले हैं कि हम खबर दे रहे हैं तो आ जाइए तनिक। तो आ ही रहे, फिर चाय पियेंगे ना तो मसौद एकदम ठीक हो जाएगा। आप बताइए कैसन है? बढ़िया से है ना? वो का खबर लाए है पता है? वो प्यार का पंचनामा फिल्म देखे है ना? वो कार्तिक आर्यन का बॉलीवुड डेब्यू। हो हमें तो बड़ा पसंद है कार्तिक आर्यन का। बता हमार बिटिया होती ना उसी से शादी कराते हूँ की। तो ऊ मैं जो उनके साथ ऊन निशांत के नाम से जो दिखाई दिए थे ना दिव्येंदु, वो दिव्येंदु कहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको कुछ सीखने को मिला तो बोलते हमको उनसे सीखने को नहीं मिला, हमने उनको सिखाया है। अब का पूरी बात है वो तो खबर में बताते हैं। चलिए कार्तिक आर्यन को लेकर दिव्येंदु ने कह दी बहुत बड़ी बात। कहा उन्होंने अपनी फिल्म प्यार का पंचनामा की को स्टार कार्तिक आर्यन से कुछ नहीं सीखा बल्कि उन्हें सिखाया है। जी हाँ, साल 2011 की फिल्म प्यार का पंचनामा में निशांत उर्फ लिक्विड की भूमिका निभाने के बाद एक्टर दिव्येंदु प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़े। इस फिल्म ने दिव्येंदु और कार्तिक आर्यन का बॉलीवुड डेब्यू किया। हाल ही में हुए एक नए इंटरव्यू में दिव्येंदु ने कहा कि उन्होंने कार्तिक आर्यन को कुछ चीजें सिखाई जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद फिल्मी दुनिया में आए थे। बता दें कि लव रंजन की प्यार का पंचनामा बिना किसी बड़े प्रचार अभियान के रिलीज हुई और साल 2011 में बॉक्स ऑफिस पर इसने धमाल मचाकर कई लोगों को चौंका दिया। इसे बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे सप्ताह के अंत तक स्लीपर हिट करार दिया गया। रोमांटिक कॉमेडी में नए कलाकार दिव्येंदु, कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, इशिता राज शर्मा, सोनाली सहगल और रायो एस बखिरता थे। साल 2015 में फिल्म का सीक्वल जारी किया गया लेकिन दिव्येंदु का प्रतिष्ठित चरित्र लिक्विड फिल्म से गायब था। अब एक इंटरव्यू में जब दिव्येंदु से पूछा गया कि वह सीक्वल में क्यों नहीं दिखे तो उन्होंने कहा, मैं वही भूमिका नहीं करना चाहता था, वही चीजें फिर से। मैंने पहले पार्ट में लिक्विड को वह सब कुछ दिया जो मैं कर सकता था। साथ ही जब उनसे कार्तिक आर्यन के साथ काम करने और उनसे कुछ सीखने के बारे में पूछा गया तो दिव्येंदु ने कहा वो नया था, सीखने के लिए कुछ नहीं था, दरअसल मैं उसे सिखा रहा था। उन्होंने अभी अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, वो खुश था और मुझे उसकी खुशी देखकर अच्छा लगता था। बता दें प्यार का पंचनामा रिलीज होने के बाद दिव्येंदु को उनकी भूमिका के लिए बहुत सराहना मिली। उन्होंने स्क्रीन अवार्ड साल 2012 में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर मेल अवार्ड भी जीता। बाद में वे अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भैया के रूप में दिखाई दिए। वहीं टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में सुंदर त्रिपाठी और फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में नारायण शर्मा के रूप में नजर आए। इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो कछु ई कहे अब ऊ का ई कहना और ई खबर आपको कैसे लगी ना हमको जरूर बताइएगा। फिलहाल जाते हैं लेकर आते हैं नई खबर, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की दर्शकों।